नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सबके हिंदी डॉट कॉम। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। वाराणसी में स्थित ज्ञान वापी मस्जिद के ASI सर्वे पर कल गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। वहीं अब आज 4 अगस्त शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई हो सकती है। दरअसल गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञान वापी परिसर के ASI सर्वे को सही ठहराया और वाराणसी जिला अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि ASI सर्वे से इमारत को कोई नुकसान नहीं होगा, न्याय हित में सर्वे कराया जाना जरूरी है। वहीं हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सर्वे पर लगी रोक हट गई है और अब कभी भी ज्ञानवापी का सर्वे शुरू किया जा सकता है। वहीं इसके बाद सर्वे पर रोक की मांग को लेकर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। वकील निजाम पाशा ने ASI के सर्वे को रोकने की मांग CJI दीपा चंद्रचूड़ के सामने रखी। उन्होंने कहा कि हमने तत्काल विचार के लिए ईमेल भी भेजा है, इस पर CJI ने कहा है कि वह इस पर विचार करके जल्द आदेश देंगे। वहीं दूसरी तरफ हिंदू पक्ष की तरफ से भी याचिकाकर्ता राखी सिंह ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया है। आपको बता दें कि कैविएट का मतलब होता है कि जब भी किसी को यह डर रहता है कि कोई उसके खिलाफ कोर्ट में मामला दायर करने जा रहा है तो वह पहले ही इसे लेकर कैविएट पिटीशन डाल सकता है ताकि उसकी बात को भी सुना जाए, इसलिए हिंदू पक्ष ने भी सुप्रीम कोर्ट में यह पिटीशन दाखिल की है। संसद के मॉनसून सत्र में कल 3 अगस्त गुरुवार को लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच दिल्ली सेवा बिल पारित हो गया और सदन में हंगामा करने के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार रिंकू को मॉनसून सत्र से निलंबित कर दिया गया। वहीं विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जब सदन में हमें अपनी बात रखने का मौका ही नहीं दिया जाएगा तो हम सदन से वॉकआउट करते हैं, और इस बीच मतदान के समय विपक्षी सांसद सदन से वॉकआउट कर गए। लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल को लेकर गुरुवार को काफी बहस हुई। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सरकार और इंडिया गठबंधन पर तीखा वार करते हुए कहा कि दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग का कोई मामला नहीं है। दिल्ली में जो मामला है वो ये है कि इसके बहाने विजिलेंस विभाग को अपने अधीन लेना है ताकि उनके भ्रष्टाचार को उजागर नहीं किया जा सके। मैं तो साफ कह रहा हूँ कि जो भी पार्टियाँ इस समय दिल्ली सरकार के साथ खड़ी हैं वो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी हैं, लेकिन जनता सब देख रही है। मैं इन पार्टियों से कहना चाहता हूँ कि आप दिल्ली के बारे में सोचें, अपने गठबंधन के बारे में नहीं, क्योंकि चाहे आप कुछ भी कर लें, कोई भी गठबंधन बना लें, कोई भी नाम बदल लें, लेकिन अगले चुनाव में नरेंद्र मोदी ही एक बार फिर PM बनकर आने वाले हैं। जनता ने अपना मन पहले ही बना लिया है। अमित शाह के बयान पर हमला करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि आज लोकसभा में अमित शाह जी को दिल्ली वालों के अधिकार छीनने वाले बिल पर बोलते हुए सुना। बिल का समर्थन करने के लिए उनके पास एक भी वाजिब तर्क नहीं है, बस इधर उधर की फालतू बातें कर रहे थे। वो भी जानते हैं कि वो गलत कर रहे हैं। ये बिल दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने वाला बिल है, उन्हें बेबस और लाचार बनाने वाला बिल है, और इंडिया ऐसा कभी भी नहीं होने देगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए बयान पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और TMC प्रमुख ममता बनर्जी ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमित शाह ने सही बात कही है, क्योंकि दिल्ली की जीत का मतलब इंडिया गठबंधन की भी जीत होगी। उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन नया है, पूरे देश में हमारी मौजूदगी है, और बेशक इंडिया गवर्नमेंट राजधानी दिल्ली में गठबंधन बनाएगी, दिल्ली में हमारी संसद है। TMC प्रमुख ने आगे शाह का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे नहीं पता कि जानबूझकर या अनजाने में उन्होंने सही बात कही है। ममता बनर्जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की पूरे देश में उपस्थिति है, देश को आपदा, सांप्रदायिक तनाव और बेरोजगारी से बचाने के लिए इसे जीतना होगा। भारत हमारी मातृभूमि है और यह इंडिया गठबंधन हमारी मातृभूमि के लिए है, इसलिए NDA का कोई मूल्य नहीं है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने दावा किया कि विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया 2024 का लोकसभा चुनाव जीतेगा। उन्होंने BJP पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारा गठबंधन चुनाव जीतने के बाद देश के लोगों के लिए काम करेगा। मुख्यमंत्री ने आगे आरोप लगाया कि इस बात के सबूत हैं कि BJP चुनाव जीतने के अपने प्रयासों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM को हैक करने की कोशिश कर रही है, और इसको लेकर इंडिया की अगली मीटिंग में निर्णय होगा। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक CM ममता बनर्जी ने कहा कि BJP पहले से ही योजना बना रही है कि आम चुनाव कैसे जीता जाए। उनकी EVM को हैक करने की कोशिश के बारे में हमने सुना है, इसको लेकर सबूत हासिल किए हैं, ऐसे में अधिक सबूत प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार किया है। राघव चड्ढा ने PTI को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि BJP की ओर से विपक्षी गठबंधन में दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उन्हें डर है कि सभी दलों के एक साथ आने से ये BJP की बड़ी हार होगी। चड्ढा ने कहा कि इंडिया जैसे मजबूत चुनौती देने वाले विपक्षी गठबंधन का डर है, जो उन्हें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और अन्य दलों के बीच दरार पैदा करने के लिए प्रेरित कर रहा है।
आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि विपक्षी गुट 1977 में आपातकाल हटने के बाद बने गठबंधन के जैसा है। उन्होंने कहा कि अगर आप इंडिया ब्लॉक के तहत सभी राजनीतिक दलों के वोटों को जोड़ दें तो 2019 में बीजेपी को मिले वोटों से ज्यादा है। इसके साथ ही आप नेता ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली में सीट बंटवारे के फॉर्मूले के सवाल पर कहा कि इस बारे में बात करना भी जल्दबाजी होगी। जैसे जैसे इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे टिकट वितरण पर विस्तृत चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि पहले चरण में गठबंधन का नाम तय हुआ, दूसरे में लोकसभा चुनाव से पहले उठाए जाने वाले आंदोलनों और मुद्दों पर निर्णय लिया जाएगा और साथ ही हम देश के लोगों के लिए एक बेहतर भारत का खाका कैसे खींचेंगे इस पर काम किया जाएगा और टिकट वितरण और सीट बंटवारे पर बातचीत बाद की बैठकों में की जाएगी। इस साल के अंत में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं जिनमें से तेलंगाना भी एक है। इस बीच खबर है कि चुनाव से पहले कुछ नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा है। ये नेता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। इनमें पूर्व मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव, पूर्व विधायक गुरुनाथ रेड्डी, केआर नागराजू और अन्य जमीनी स्तर के नेता शामिल हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने नेताओं के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए ट्वीट कर लिखा कि हम कांग्रेस पार्टी में तेलंगाना के कई प्रमुख नेताओं का स्वागत करते हैं। तेलंगाना में राजनीतिक माहौल हमारे पक्ष में है और राज्य के लोग समग्र प्रगति और समृद्धि के लिए कांग्रेस सरकार चाहते हैं। खड़गे ने कहा कि पूर्व मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव, पूर्व विधायक गुरुनाथ रेड्डी, केआर नागराजू और अन्य जमीनी स्तर के नेताओं का कांग्रेस पार्टी में प्रवेश राज्य में सच्चा सामाजिक कल्याण प्रदान करने के हमारे प्रयास को और मजबूत करेगा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से लापता हुए भारतीय सेना के जवान जावेद अहमद वानी को गुरुवार 3 अगस्त को पुलिस की टीम ने ढूंढ निकाला। जम्मू कश्मीर पुलिस के ट्वीट के मुताबिक एडीजीपी कश्मीर ने कहा कि जवान जावेद अहमद की मेडिकल जांच के बाद उससे पूछताछ की जाएगी। इस पूछताछ में सेना और पुलिस दोनों के अधिकारी शामिल होंगे। बता दें कि जावेद अहमद वानी 29 जुलाई को छुट्टी पर अपने घर आया हुआ था। इस दौरान वह शाम को करीब 8:30 बजे लापता हो गया। जवान के परिवार की ओर से बताया गया कि उसका अपहरण कर लिया गया है। हालांकि जवान की बरामदगी के बाद पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई और जानकारी साझा नहीं की है। अभी केवल उसके बरामद होने और पूछताछ किए जाने की बात सामने आई है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।